ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाङ्कय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः गुरुदेवाय ते नमः पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम भगवान नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेत की कृपा प्रार्थना करते परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर हरिनाम के ऊपर भगवान नाम के ऊपर प्रेम प्राप्ति के विषय में चर्चा कर रहे। कल हमने सुना कि श्री चैतन्य देव स्वयं ही इस जगत पे कृपा करके बतला रहे हैं कि क्या करने से प्रेम का उपज होगा, प्रेम प्रकाशित होगा हृदय के अंदर। जय रूपे लईले नाम, नाम से ही प्रेम है, नाम के बिना प्रेम नहीं। कोई व्यक्ति नाम करेगा नहीं, भगवान से प्रेम करना चाहेगा वो कभी भी हो नहीं सकता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि नाम करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से नाम साधना करे जिससे उसके अंदर प्रेम भक्ति हो, प्रेम का उदय हो, ऐसा यही बात बतला रहे। जे रूपे लोईले नाम प्रेम उपजाए, किस प्रकार से होगा? कल हमने उसको श्रवण किया था कि चैतन्य देव राय रामानंद जी को, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बतला रहे, ऋणादपि सुनीचेन हरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करना होगा, ऐसा। इसलिए हरि कीर्तन के लिए कोई सीमा नहीं है कि अगर मान लो कि मैंने 16 माला करना है तो मेरा आज का जो है भजन का कोटा पूरा हो गया। ये सरकारी नौकरी नहीं है, 8 घंटा काम किया फिर वापस घर चले गए। और मैंने आज सुना था सरकारी नौकरी में भी जॉइनिंग से पहले साइन कराते हैं कि जो लीव है वो तुम्हारा राइट नहीं है करके। अगर उनको लगता है कि तुम्हारा प्रेजेंस जरूरी है
तो वो वीकेंड पे भी बुला सकते हैं ऐसा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 24/7 ऑन ड्यूटी है, ऐसे आज सुना। हमको लगता है कि हमको जो है छुट्टी है, बट लेकिन बॉन्ड जो साइन कराते हैं उसमें ऐसे अब लिखा हुआ रहता है। कहने का मतलब है कि हरिनाम जो है ऐसी साधन नहीं है, किसी ने अपने लिए एक संख्या निर्णय किया कि मेरे लिए 16 वाला की संख्या का नियम है, मेरे लिए 32 का नियम है, मेरे लिए 64 का नियम है, मेरे लिए जो भी जितना भी नियम है, कि संख्या पूर्ण होने के बाद आज का मेरा भजन का कोटा समाप्त हुआ, ऐसा नहीं चलता है। और बोलते सदा कीर्तनीय सदा करी, ये सदा के अंदर कोई संख्या सीमा की बात आता ही नहीं। श्वास श्वास के अंदर गोविंद का नाम होना चाहिए, हर क्षण हर पल गोविंद का नाम हमारे जीवा के ऊपर होना चाहिए। कीर्तनीय सदा है, सदा के लिए, हमेशा के लिए। सदा मतलब है एक तरह से वो कालातीत वाचक है, इसीलिए ऋग्वेद के अंतर्गत जहां हम लोग अक्सर सुनते हैं तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, सदा पश्यन्ति किनके द्वारा, देवगणों के द्वारा, मतलब भगवत भक्तों के द्वारा निरंतर हमेशा के लिए हरिपाद पद्म का दर्शन किया जा रहा है ऐसा। इसलिए सदा मतलब आप, हम ये नहीं कह सकते उसको कि ये तो भूतकाल की बात है, वर्तमान की बात है अथवा भविष्य की बात है, वो हमेशा के। इसलिए बोला सदा हरि, सदा ही हरि कीर्तन करना होगा, ये बात है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या के ऊपर जोर दिया गया शास्त्रों में, लेकिन वास्तविकता में उसकी गहराई में उतरने से संख्या सीमित करके नहीं रखा है। उसको कैसे करना होगा, हर श्वास में ऐसा कैसे होकर, और बोलते चार गुणों से गुणी होकर के निरंतर भगवान का नाम को लेना होगा ऐसे। ये चीज हमें समझना चाहिए ऐसे। नए ना से जो लोग लगातार सत्संग करते हैं, जो सत्संगी हैं, जिनका हरिनाम हुआ है, जिनको मालूम है, उन लोगों को इस चीज को गंभीरता से लेके करना चाहिए ऐसे। कैसे करेंगे वो तो नया व्यक्ति के लिए ये बात है ही नहीं। जो सत्संगी है, जो हरिकथा श्रवण कर रहा है दीर्घ काल से ऐसा, जिनका 10 साल हो गया हरिनाम के, 5 साल हो गया, ऐसे ऐसे जिन लोगों के समय चला है, अभी अभी हुआ तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन जो लोग कर रहे हैं और संग कर रहे हैं उनको बड़ी गंभीरता से इस चीज को समझना होगा। गुरु महाराज जी अक्सर बोलते समय को वे नष्ट नहीं करना चाहिए, निरंतर हर क्षण कृष्ण कथा में, कृष्ण कीर्तन में लगा करके रखना होगा। इसीलिए बोलते कीर्तनीय, कीर्ति का वर्णन, भगवान का नाम का वर्णन, भगवान का रूप का वर्णन, कोई काउंटर का प्रयोग ना करें। चुन्नी चांदी में से जो लोग छिपा के करते हैं वो हटाओ, बाहर हटा दो, हटा दो, कोई भी नहीं करना।
देखने से हम डांटेंगे बोल के कोई छिपा के करेगा, वो अपने आप को ही धोखा देगा, मुझे नहीं। अभी क्या कह रहे हैं वहां पर, कीर्तनीय सदा हरि, हरि कीर्तन जो है सदा करना होगा। और ये चार गुणों के साथ युक्त होकर, गुण रहित होकर करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम प्रभु का कृपा उसी पे होता है जो चार गुणों के साथ में गुणी है, जिसके बारे में हमने कल बृहद चर्चा किया। अथवा चलो गुणी नहीं है लेकिन गुणाकांक्षी है, मुझ में वो गुण नहीं कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अंदर तो इच्छा होना चाहिए कि मुझे ये गुण आए, मैं दैन्य बनूं, मेरे में दीनता हो, ए गुण की कामना मुझ में होना चाहिए। हमें अपनी अधोपतित बुद्धि या विचारधारा उसको लेकर एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अरे मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो गिरा हुआ हूं, इसीलिए जो मर्जी करता रहूंगा, ये नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हारी अवस्था गिरी हुई है तो सुधारो उसको, ये गुण अपने अंदर लाओ। ये बात भगवान बोलते कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन चीजों के साथ में होकर के करो। कैसे भी करो मतलब ये नहीं है, अब जैसे हमको कैसे भी घूम सकते हैं, किसी भी समय हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन घूमने का अधिकार दिया बोलकर अगर हम अवैध रूप से देश से बाहर जाने का प्रयास करते हैं तो हमें उठा के कारागार में डाल देंगे। जाओ कोई पासपोर्ट के बिना बाहर जाने का कोशिश करो, जाने देगा नहीं, एक सीमा रखा हुआ है, तुम घूम सकते हो कुछ भी कर सकते हो लेकिन इस दायरे में रह के। इस दायरे से बाहर जाना चाहोगे वो नहीं, उस तरीका से उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। हमें अपनी अवस्था को समझकर और क्या हमें पाना है किस वस्तु को, उसको समझकर साधन करना होगा। उसके बीच में ये चार गुण आते हैं। ऐसा मैं भूखा नहीं रह सकता, कोई बात नहीं, खाइते खाते हुए विराम करो, कौन मना कर रहा है, भूखा रहने को कौन बोल रहा है। मैं सोए बिना नहीं रह सकता, मुझे नींद आता है, अच्छा ठीक है, सुई लेट लेट के करो, सोते हुए करो। मैं तो यहां नहीं कर सकता, कोई बात नहीं वहां करो। ऐसा हर चीज के किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रखा, लेकिन इस चीज को जरूर हमारे सामने रखा है, ये बंधन नहीं है, ये गुण है। अवगुणों का भरमार होकर कोई भी भगवत कृपा को अथवा भगवत प्राप्ति को नहीं कर सकता है। इसीलिए बोले सदा के लिए नाम करते रहना, लेकिन एक गुण साथ में रख के, और अगर गुण नहीं है तो भी डरना नहीं, प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझ में त्रिनादपि सुनिचेन का गुण प्रदान कीजिएगा। चाहिए प्रेम और हम ये लाएंगे नहीं अपने अंदर तो कभी नहीं होगा, अमानी होना पड़ेगा और मानद होना पड़ेगा। इसलिए हमने कल इसके बारे में चर्चा किया, वो बोलते उत्तम हैया वैष्णव भवे निराभिमान, अधम जो होता है वो अभिमानी होता है। उत्तम जो होगा उसके अंदर अभिमान नहीं होगा, ऐसा उत्तम व्यक्ति में अभिमान नहीं होता, अधम व्यक्ति में अभिमान होता है। इसलिए बोलते हैं अभिमान शून्य होकर उत्तम व्यक्ति का आचरण होता है।
और साथ ही हर जीव को कृष्ण को देखते हुए सम्मान करता है कि मेरे गोविंद दिल में है ऐसा। तब जाकर के हमारे अंदर प्रेम प्रकट होगा। हम बोलते हैं राधा रानी की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी ने ऐसे किया, राधा रानी ने ऐसे किया, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन वहां ये देखा जाता है कि तुम्हारे अंदर ये गुण है कि नहीं। जैसा मर्जी करो, धोती पहन के करो, पैंट में करो, जैसा मर्जी करो, चलते करो, इधर करो, बाथरूम में करो, कहीं पे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये चार चीज होना जरूरी है। तभी श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपज, श्री कृष्ण के चरणों में उसको प्रेम होगा, नहीं तो कभी नहीं हो। श्री कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व बाहु कोरी कही सुनो सर्वलोक, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर, ऊर्ध्व बाहु मतलब है कि हाथों को ऊपर उठाना, और बोलते हैं ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, बाहु मतलब ये जो हाथ जो है बाजू उठाकर, क्या बोल रहे हैं, कही सुनो सर्वलोक, सभी ध्यान से सुनो। क्या सुनना है ध्यान से, ऐसी क्या बात है, बोलते हैं इस श्लोक को त्रिनादपि सुनिचैन का जो श्लोक है, श्री चैतन्य देव की शिक्षा, इसको क्या करना है, नाम के धागे में बांध कर गले में पहन लेना है, जैसे कंठी पहना है ऐसे इस श्लोक को पहनने को बोल रहे हैं। समझ में आता है, मतलब क्या है, कभी भी इस बात को भूलना नहीं, किसी भी क्षण इस बात को भूलना नहीं, कभी भी भूलना नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा हरिनाम करना चाहते हो तो इसको कभी भी भूलना नहीं, जिसको हरिनाम करना ही नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, फिर जिसको हरिनाम करना है वो बोलते उसको ये वाली बात भूलना नहीं, क्या करूं इसको, गले में पहन लो, जैसे कंठी हमने पहन रखा ऐसे उसको बोलते पहन लो गले में, प्रभुर आज्ञा करो ये श्लोक आचरण, ऐसा महाप्रभु का यही निर्देश है, यही आदेश है, क्या करना होगा, बोलते इस श्लोक का आचरण करना है, सिर्फ मुख से बोलने से नहीं होता है। कई ऐसे होते हैं दूसरे तो करता नहीं, दूसरा खड्डे में चला जाएगा उसको देख के हम थोड़ा खड्डे में जाएंगे, हमारे आप तो बोल रहे दूसरे तो कोई करता नहीं है, नहीं करता है तो उसकी समस्या है, उसका जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम नहीं है इसीलिए वो नहीं करता, उसका जीवन का उद्देश्य अपना समय नष्ट करना, दूसरे का समय नष्ट करना है इसलिए वो नहीं करता, लेकिन उसको देख करके मैं नहीं करूंगा ये हमारी बुद्धिमान बुद्धिहीनता है। महाप्रभु क्या आदेश कर रहे, गले में पहन के रखना, मतलब कुछ भी भूल जाओ, भगवत प्रेम को चाहते हो तो इस श्लोक को कभी भी भूलना नहीं है। वृंदावन विहारी लाल की, ये भूल गए तो सब चला जाएगा। और क्या बोलते हैं, आचरण करना होगा, ये श्लोक का आचरण करना होगा, मतलब क्या है, इसको अपने जीवन में उतारना होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, अवश्य पाई वे तो भी श्री कृष्ण चरण, निश्चित रूप से तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा कोई कसरत का बात ही नहीं है, यहां पर चार चीजों को हम अगर करने लगेंगे हरिनाम के साथ में, बोलते भगवान मिल जाएगा, कौन बोल रहे हैं, स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, श्री चैतन्य देव ही इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। ऐसा क्या करनी है, सदा हरिनाम करते रहे बस, हमेशा
दुनिया के लिए व्यवहारिक जीवन के लिए टाइम स्लॉटिंग हो सकता है, इसके लिए इतना टाइम देना, इसके लिए इतना देना, इसके लिए इतना देना, लेकिन भगवान के लिए ऐसे नहीं करना। वास्तविकता में कितनी अद्भुत बात है, अगर भगवान ने, भगवान तो बहुत दूर की बात है, अगर प्रकृति ने सोच लिया, जैसे पानी आता है सुबह एक घंटा, शाम आधा घंटा, जो भी है, अगर ऐसे ही प्रकृति ने सोच लिया कि वायु भी सुबह एक घंटा और उसके बाद शाम को एक घंटा ही हम प्रवाहित करेंगे, जितना भी जिसको भी हवा भरना है इतना सांस तुम जो है सुबह ही ले लो, कौन बचेगा दुनिया में बताओ? अगर ये बोल देगा कि सिर्फ सुबह एक घंटा धूप निकलेगा, बाकी पूरा दिन धूप नहीं निकलेगा, जितना भी विटामिन डी चाहिए, सी चाहिए, जो चाहिए उसी समय ले लो, और जो भी फसल के लिए चाहिए, पौधों के लिए चाहिए, जो करना है तभी कर लो, आप सोचो तो सही, कौन बचेगा दुनिया में? नदियां अगर सोचते हैं कि सिर्फ हम एक घंटे के लिए हम थोड़ा सा पानी को निकालेंगे अपना, उसके बाद हम लोग अपने आप को अंदर ही सुकुड़ के रख लेंगे, तो आदमी कौन बचेगा दुनिया में? ऐसा। और हरिनाम आत्मा का खुराक है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार से पानी के बिना मछली का जीवन नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से एक तड़पती हुई आत्मा का उपशमन भी, शांति भी केवल मात्र गोविंद के पादपद में आश्रय ग्रहण करने से ही हो सकता है। एक क्षण के लिए भी उनसे विमुख होना तो अनंत काल के लिए दुख को वरण करने से अधिक और कुछ है ही नहीं। नारद गोस्वामी, उनके अंदर बड़ा इच्छा हुआ था कि मैं जो हूं क्या करूं, भगवान का माया को देखूं, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान बोलते हैं कि क्या जरूरत है ये सब, बोलते नहीं मुझको देखना है कि उसका प्रभाव कैसे होता है, बोलते ठीक है। एक दिन दोनों ही चल रहे, जब जब भगवान जो है नारद जी को माया दिखाना चाहते हैं, उनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण होता रहता है, इसीलिए माया उनके नजदीक आ नहीं पाता। भगवान ने भी क्या किया, बड़ी चतुरता करके बहुत दूर तक उनको चलने के लिए ले गए, जाते 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 जब नारद गोस्वामी थक गए थे, तब सामने एक सरोवर था, उनका इच्छा हुआ कि मैं थोड़ा पानी भी पी लूं और स्नान भी कर लेता। भगवान ने बोला ठीक है, केवल मात्र उस जल में प्रवेश करके उठने जितने समय के अंदर माया ने पकड़ लिया। आप देखो कितना होता है उस समय, क्योंकि देखना चाहते इसलिए उतनी ही समय में माया ने पकड़ लिया, स्वरूप बदल गया, सब भूल गए कहाँ हूं क्या है, देखते हैं कि समुद्र से निकल रहे हैं बाहर, नदी पर वो कम वो जो सरोवर कब समुद्र के रूप में बदल गया, और स्वयं नारद गोस्वामी कब एक लड़की के रूप में बदल गए कुछ नहीं पता। ऐसा इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, निरंतर नाम का आश्रय लेकर के रहना है, नाम से जो कोई भी व्यक्ति क्षण काल के लिए भी विमुख रहेगा उसको तो संसार पकड़ लेगा, और संसार जिसको पकड़ लिया उसका जीवन में अब कुछ बचता नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति कीचड़ में कमल की तरह रहता है वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जो व्यक्ति कीचड़ को अपने ऊपर मल के बैठता है तो वो कीचड़ जैसे ही हो जाता है। ऐसा तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं हमेशा के लिए नाम को लेकर के बैठना है, तभी माया मुक्त रहेंगे।
और इतना ही नहीं, क्या होगा, ये चार गुणों के साथ में अगर नाम को करेंगे तब भगवान के पाद पर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा बहुत आसानी से। आगे क्या बोलते हैं, अपराधी व्यक्ति के प्रति नाम प्रभु जो है कभी भी प्रसन्न नहीं होते। अपराध करने वाला व्यक्ति बहुत समय तक भगवान का नाम करता भी है तब भी भगवान का नाम स्वरूप उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होता है। ऐसा देखते होते भगवान नाम करने वाला कौन है, मैं कपट रख कर गंध रख के उसके बाद मैं बोलूं कि मेरा तो अंदर शुद्ध नहीं हो रहा है तो नहीं चलेगा। गंदगी होने से भगवान मार्जन करेंगे, भगवान परम दयालु, लेकिन कपट रखने से कभी भी मार्जन नहीं होगा। हमें स्वीकार करने का साहस रखना होगा कि मेरे चित्त में मल है, मेरे अंदर मलिनता है तो है, क्या करूं, अब मुझे इससे मुक्त होना है, ऐसी इच्छा रखना होगा। अंदर गंध रख के चुपचाप बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर उसका जो परिणाम जो होता है, बोलते हैं भगवान कभी भी मलिन हृदय में प्रवेश नहीं करते। आपके वसन मलिन हो सकते हैं, आप जिस स्थान पर रहते हैं वो मलिन हो सकता है, मतलब कपड़ा गंदा हो सकता है, जगह गंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मन गंदा है तो भगवान नहीं 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 वहां बैठते। लेकिन भगवान होने के कारण, प्रेम दाता होने के कारण, वात्सल्य की मूर्ति होने के कारण भगवान क्या करते हैं, खुद ही जगह को साफ करके बैठते हैं। समझ आ रहा है, अब आए घर में साफ नहीं है, अपने आप ही झाड़ू उठाया, साफ सूफ कर दिया, आराम से जाके बैठ गए। ऐसा हमारा मन गंदा है इसलिए भगवान बैठ नहीं सकते, वो क्या करते हैं, साफ करके आके बैठते हैं। लेकिन तब बैठेंगे जब हम कहेंगे कि प्रभु ये गंदा है लेकिन मैं तो साफ कर नहीं पाया, तब भगवान को चिंता मत करो, तो भगवान साफ करते और आके बैठ जाते। गंद भी रख के नहीं मान के और इसके बाद प्रेम का ढोंग भी दिखा के, तब फिर कभी भी जीवन में लाभ नहीं होने वाला है। हमारे आचार्य बतला रहे, हरिनाम कर ही रहे हो थोड़ा सा सावधानी से कर लो, उसके बाद देखो कितना लाभ हो सकता है। थोड़ा ध्यान से कर लो, जब कर ही रहे हो, बहुत भाग्य से तुमको ये चीज समझ में आया कि हरि नाम के बिना कोई गति है नहीं, जब तुम्हें समझ में आ ही गया तो थोड़ा ध्यान से कर लो तो प्रेम को प्राप्त कर लो। ऐसा इसलिए यहां पर बता रहे, अपराध करते हुए किसके प्रति, भगवान के नाम के प्रति। जो कोई भी व्यक्ति कीर्तन करता है तो भगवान अपराधी के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा नहीं कि कृपा नहीं करते, लेकिन प्रेम नहीं प्रदान करते। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम करने से कुछ मिलेगा नहीं, चाहे अपराधी से अपराधी ही क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम को करता है परम दयालु ठाकुर उसके ऊपर कृपा करके उसको बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो नहीं देंगे। अब दुर्योधन है, मांगा, भगवान ने अपनी नारायणी सेना दे दिया, कितना है, कितने सेना दे दिया, लेकिन खुद को नहीं दिया, नहीं दुर्योधन ने मांगा नहीं। ऐसी अवस्था में जिसका बुद्धि रहता है वो कभी भी भगवान से मांग भी नहीं सकता।
क्योंकि दिमाग ऐसे ही है, हम ही ले लो। कितनी बार सुनते हैं भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, भजन से ऊपर कुछ नहीं है, तब भी मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करके बोलते मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो। और लोगों का क्या कहना ऐसा। और वो तो दुर्योधन कभी नहीं चाहेगा, इसलिए भगवान ने दुर्योधन के मांगने पर चतुरांगिनी सेना दे दी, अपना नारायणी सेना पूरा सेना दे दिया, और एक तरफ अकेले खड़े हो गए। और वो भी क्या बोलते हैं, अस्त्रहीन होकर के रहूंगा, कोई अस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं कोई हथियार उठाऊंगा नहीं। अरे महाभारत इतना बड़ा युद्ध है जहां पर कौरव और पांडव दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, और भगवान खड़े हैं और बोलते कोई हथियार ही नहीं उठाऊंगा। एक निहत्ता योद्धा, जो युद्ध नहीं करने वाला एक योद्धा, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, किस काम का है ना। बहुत बड़ा योद्धा है, वीर है, लेकिन बोलता है कि मैं हथियार उठाऊंगा नहीं, तो वो किस काम का है। भगवान वही बात वहां पर बोल रहे हैं, हम तो अस्त्र उठाएगा नहीं, लेकिन आप देख लेना जहां श्री कृष्ण खड़े हैं वही पे विजयश्री है। भगवान जिसके जीवन में है, भगवान जिसके साथ में है, उसका कभी भी पराजय हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में कभी भी अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान है। मतलब है कि भगवान का सर्वस्व वहां पर है, भगवान का पूर्ण कृपा है, भगवान का प्रेम है, सब कुछ है। एक जगह पर भगवान से है, दुर्योधन के पास भगवान से है, और अर्जुन के पास भगवान है। समझ में आता है कितना अंतर है। जो भगवान से है वो नहीं जीता, जहां भगवान स्वयं है वो जीत गया, वो खाली हाथ खड़े तब भी जीता। और युद्ध पूरा होने से पहले ही संजय ने धृतराष्ट्र को यह बात बोल दिया था, क्योंकि संजय से पूछा तुम्हारा मत क्या है, तू क्या सोचता है, तो संजय कहता है धृतराष्ट्र को कि महाराज जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है वही पे तो विजयश्री है, और कहां होगा। युद्ध का परिणाम इसीलिए धृतराष्ट्र को पूर्व में ही पता था। ऐसा तो जो आगे क्या बोल रहे हैं, जो लोग इस कलयुग का जो धर्म हरिनाम संकीर्तन को करके अत्यंत शीघ्रता के साथ में भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, उन लोगों को 10 नामापराध से सावधान रहना होगा। कुछ भी करना, नामापराध नहीं करना। ऐसा प्रारंभिक अवस्था के अंदर हम लोगों को अपराध के विषय में इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपराध का चिंता एक एडवांस स्टेज में जरूर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है तो साधन आगे बढ़ता नहीं है। भक्ति लता की जो बीज है उसको अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर हमारी साधना के अंदर ये अपराध शून्य होकर के भजन करना आवश्यक है, अपराधों से रहित होकर। ऐसा श्रवणांग का सेवन करने से, श्रवण कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, लेकिन उसको धारण नहीं करेंगे तो फिर हमारा शोधन भी नहीं होगा। ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बोलते हैं अपराध रहित होके नाम करना। भगवान इतने तंग दिल नहीं है कि अगर हम अपराध करते हैं तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे,
भगवान का बहुत बड़ा दिल है। भगवान तो वदान्य है जो कि अन्य किसी में वो गुण नहीं है। भगवान तो वदान्य है, परम उदार है, लेकिन जब हम कपट करने लगते हैं तब भगवान भी अपनी उदारता का गुण को संकुचित कर लेते हैं। ऐसा ये हमारा कपट ही नामापराध के रूप में प्रकाशित हो रहा है। नाम को करते करते जो कपट करता है वही नामापराध के रूप में सामने आ जाता है। क्या बोल रहे हैं नामापराधों के बारे में? वो बोलते हैं साधु निंदा। मतलब साधु निंदा मतलब क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि संतों की निंदा, जो साधु वृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उन तमाम व्यक्तियों की निंदा, व्यक्तित्वों की निंदा साधु निंदा है। जो कोई भी भक्त है भगवान का, जो भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है अथवा धारण करने के लिए प्रयास कर रहा है, उनमें से किसी की भी निंदा साधु निंदा ही है। इसलिए कभी भी हमें वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, साधु निंदा ये सब नहीं करना चाहिए। वो करने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है अपने जीवन में। मैं तो निंदा करता नहीं। बोलते हैं उपदेश का अनादर भी निंदा के अंदर ही आता है। क्या भक्त ने बोल दिया ऐसा नहीं करना? हाँ कोई बात नहीं, साइड होके कर लो, ऐसा वो निंदा ही है। कोई नहीं, अंदर अंदर से कर लो, चुपके से कर लो, वो निंदा ही है। ऐसा बोलते हैं भक्त लोग, बोलते हैं बलदेव पूर्णिमा है, व्रत करना, बलदेव जी का कृपा मिलेगा। जी 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 जी, और चुपके से जाके राखी है, करना पड़ता है करके चुपके से खा लेते हैं। ये सब तो साधु निंदा ही है। ऐसा मरने के बाद फिर पैदा होंगे, फिर बहने मिलेंगे। मरने के बाद माँ भी मिलेगी, बिना माँ का कोई पैदा होता नहीं। इसलिए मरने के बाद दोबारा माँ भी मिलेगी, पिता भी मिलेंगे, बहने भी मिलेंगी, भाई भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। पर आज के समय में तो कितने भी माँ मिलती, कितने भी पिता मिलता है, कितने भी मैं तो इसको भाई बनाए, किसी को माँ बनाए, किसी को पत्नी बनाए, किसी को कुछ बनाए, बहुत मिल जाते हैं। लेकिन जो नहीं मिलता है बड़े मुश्किल से, वो है मनुष्य जीवन। ये आसानी से नहीं मिलता है, मिलता है कभी नहीं मिलता है। बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है। भागवत जी में बता दिया लब्ध्वा, बहुत सुदुर्लभम, दुर्लभ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। क्या है? मनुष्य शरीर। शास्त्र दुर्लभम मानुषम जन्मम, सुलभ नहीं, कहीं एक जगह पे भी नहीं बोला कि मानव जीवन सुलभ है, अत्यंत दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रियदर्शन। तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रियदर्शन। वैकुंठ कौन है? भगवान। इसलिए वैकुंठ प्रिय कौन है? भगवान के भक्त। बोलते एक बार मनुष्य जन्म मिल भी जाए, इसलिए आप देखो दुनिया में कितने व्यक्ति घूम रहे हैं, क्योंकि मिल गया भाग्य से। लेकिन वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भक्तों का दर्शन मिलना वो आसान बात नहीं है। परम सौभाग्य का उदय होने पर किसी को भक्त दर्शन होता है। और भक्त हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमें भगवान का नाम करने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए उपदेश करता है।
और उस उपदेश को अवमानना करना, अस्वीकार करना भी एक अपराध ही है। हाँ जी हाँ जी बोलकर भी फिर अपने मर्जी से करना, वो तो अपराध ही होता है। ऐसा इसलिए अपराध मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर उठा के मार दिया या कुछ कर दिया, मैंने गालियां दे दी कुछ कर दिया, बोली हुई बात को नहीं मानना भी अपराधी। इसको करने से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान का जो वास स्थान है, ठहरने का जगह, वो भक्त का हृदय है, तो संत का हृदय, जिसके दिल में, जिसके हृदय में भगवान रह रहे हैं, और उसका कोई अनादर करेगा, भगवान कहां से सहन करेंगे? भगवान का नाम को करते 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 भगवान के चरणानुरागी जो भक्त होता है, उसी के हृदय में भगवान आके वास करने लग जाते हैं, वहां रह जाते हैं। भगवान उस जगह को छोड़ के नहीं जाते थे। अब जो कोई भी व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्त का आदर नहीं करेगा, उनका अवहेल ना करेगा, तो भगवान कैसे पसंद करेंगे? क्योंकि है ना, आप जहाँ रहते हैं, आप ही के घर के सदस्यों के प्रति अगर तिरस्कार होता है, कुछ होता है, वो आपको कितना कष्ट देता है। ये स्वाभाविक बात है। भगवान का संसार में कोई नहीं है। भगवान ने खुद बोल दिया, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यस्ति न प्रिय, सब मेरे लिए एक समान है, कि कोई मेरे लिए द्वेष का पात्र भी नहीं है, कोई मेरे लिए प्रिय पात्र भी नहीं है। लेकिन जो जिस प्रकार से मेरे निकट में आता है, मैं अपने आप को उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ। कोई ज्यादा प्यार कर रहा है मेरे पास आकर, मेरा सेवा करना चाहता है, मैं अपनी समानता का गुण वहां नहीं रख सकता, लेकिन अपने व्यक्तित्व में उनका कोई नहीं है। उनकी उस व्यक्तित्व को बदलकर एक भक्त ही भगवान को अपने वश में करने में सक्षम होता है। इसीलिए भगवान बोलते, मैं तो भक्त का अधीन हो जाता हूँ, मैं तो उनका दास बन जाता हूँ। ऐसे जो भगवत भक्त होते हैं, उनके साथ कपट करना, उनके प्रति अनादर का भाव रखना, भगवान कभी भी उसका समर्थन नहीं करते। नाम प्रभु कभी भी उनके ऊपर अपने दया का विस्तार नहीं करते। इसीलिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवत कृपा चाहिए, एक ऐसी अवस्था चाहिए जहां पर बिना मांगे, बिना कुछ किए, सब कुछ भगवान मेरे लिए करे, या मैं भगवान के लिए करूं। जागतिक कार्य नहीं, उनकी प्रसन्नता के अनुरूप कर्म। तो मुझे क्या करना होगा? बोलते हैं, हरि नाम को करना होगा, इन गुणों से गुणी होकर। आगे की चर्चा हम लोग फिर करेंगे। वांछा कल्प करुप्रस्थ कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हताश नहीं होना, ये चीज जानना जरूरी है, जानकर अपने आचरण में इसको लाना जरूरी है। जो इसको अपने आचरण में लाएगा नहीं, वो व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये चीजों को अपने आचरण में नहीं लाना और उसके बाद साधन करना, ठीक उसी प्रकार से है, ठीक उसी प्रकार से है जैसे खुंटी पे जो है नाव को बांधकर, उसके बाद पूरा रात जो है नाव में बैठ के चप्पू चलाना, वो हिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम कुछ निकलता नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की, वो नाव जहां पर है वहीं पर रहता है। समझ में आता है? नाव आगे बढ़ गया तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि पीछे बांध के रखा हुआ है। इसीलिए हम जो हरिकथा श्रवण करते हैं,
हम जो हरिनाम करते हैं ये सारी चीजें तभी फलीभूत होते हैं जब हम लोग साधन जो है वास्तविकता में उसकी गरिमा को उसकी महत्व को समझ के करने का प्रयास करें। वही हमारे आचार्यों ने हमें करने के लिए प्रेरणा दिया, शिक्षा दिया। बाकी कल परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा से गिरिराज गोवर्धन जी के चरण धूलि स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक महीना आप लोगों के बीच में रहा और लोगों ने नाम दिया फेस्टिवल ऑफ डिवाइन लव करके। डिवाइन लव मतलब है भगवत प्रेम, ये कोई साधारण जगत का प्रेम का नहीं है, ये प्रेम का उत्सव का भाव था। और किसको लगा नहीं लगा पता नहीं, लेकिन आप सबके साथ बड़ा सुंदर समय व्यतीत हुआ। एक महीना कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, और आशा करूंगा सबका भजन बहुत अच्छा चलेगा। भजन नहीं है जिंदगी में कुछ नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है, इस बात को कभी भी भूलना नहीं। और हमेशा याद रखना, ना डॉक्टर बचा सकता है ना साथी संगी कोई बचा सकता। बोलने वाले बोलते हैं मेरे से पहले तुम कैसे मर सकते हो, जब एक्सीडेंट हो के हम वहां तक पहुंच के आए हैं और उसके बाद और क्या है। ऐसा प्यार करने वाले बोलते हैं नहीं हम पहले चला जाएगा, लेकिन निमंत्रण तो हमारा पहले आया था, हम वहां तक जाके बोलते हैं अभी जगह खाली नहीं वापस जाओ, तो फिर हम आ गए, गुरु जी खींच के ले आए। इसलिए मौत कभी भी आ सकता है। दो बातन को भूल मत यदि चाहो कल्याण, अपना मंगल चाहते हो तो दो चीजें कभी भूलना नहीं, एक मौत है दूसरा भगवान। जो भगवान को भूल जाएगा उसका मंगल नहीं होगा, जो मौत को भूल जाएगा उसका भी मंगल नहीं होगा। गुरु जी बोलते एनी मोमेंट वी शैल डाई, ऐसे गुरु जी बोल्डली चिल्ला के बोलते थे, एक बार नहीं कई बार बोला गुरु जी ने। इसीलिए हमको भगवान में, गुरुदेव में, उनकी दिव्य वाणी में, शास्त्र की वाणी में विश्वास रख के भजन करना होगा। इस संसार में कोई अपना रहे ना रहे, हो सकता है कि कोई हमारा रहे भी, लेकिन श्मशान में जब यात्रा करेंगे अंतिम यात्रा कोई नहीं होगा। इतने लोग आ रहे हैं, प्रणाम करते हैं, आरतियां करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, फूल फेंक रहे हैं, क्या क्या करे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 8 दिसंबर के दिन दोपहर 1 बजे एक सुनसान हाईवे के बीच में एक लाशों की तरह हम लोग पड़े हुए थे। आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट तक करीब हमें होश भी नहीं थे। ऐसा मौत ऐसा ही होता है, हमें बचाने के लिए कई लोग प्रार्थनाएं किया, कीर्तन किया, क्या कुछ किया, भगवान से भी प्रार्थनाएं किया, क्या क्या किया, दुआएं किया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जिस समय ये घटना घटा था कौन था पास में। इसलिए आप सब मेरा परिवार है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा, ये नहीं सोचना कि मेरा पत्नी साथ रहेगी, बच्चा साथ रहेगा, फलाना साथ रहेगा, ये साथ रहेगा। मरण जब आएगा कोई भी पास नहीं रहेगा, अकेले मरना पड़ेगा। ओए ऐसा अकेले मरना पड़ेगा, कोई साथ मरेगा नहीं। बस भगवान ने, गुरु जी ने कृपा करके एक साथी ऐसे दिया, साथ में मरने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन गुरु जी ने दोनों को वापस ले आए। ऐसा मैंने बोला इतना दोस्ती निभाने की क्या जरूरत है। ऐसा कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है जीवन में, हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए समय एक पल भी नष्ट नहीं करना, दया करके अपने आप पे। और ये भी नहीं सोचना
कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे। वो सुधरने से पहले मर गया तो आप सर बोलते कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। कब तक सुधरेंगे? मौत कभी भी आ सकता है। कोई भरोसा है कि हम गोवर्धन ठीक से पहुंचेगा? या कोई भरोसा है कि मैं जब लौट के आएंगे आऊंगा हम सब जो है सबके सब साबुत रहेंगे? नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव। यही पॉजिटिव है दैट एनी मोमेंट वी शैल डाई। अपने आप को अंधकार में रख कर अगर हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपने आप को प्रकाश में लेके आना है, आंखों के आगे से अंधकार के परत को तोड़कर प्रकाश की तरफ जाना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय बोल के शास्त्र बतला रहे हैं। अंधकार में क्यों बैठे हो, प्रकाश की तरफ चलो। वो यही है, वो प्रकाश है। सत्पुरुषों की वाणी, गुरु वाणी, शास्त्र वाणी ही वो प्रकाश है जो हमें बता रहा है कि भैया जिंदगी जो है कोई भरोसा नहीं है, एक क्षणभंगुर है। ऐसा दुर्लभम मानुषम जन्मम देहिनाम क्षणभंगुर। एक तो दुर्लभ है, ऊपर से क्षणभंगुर, मतलब कमल के पंखुड़ी के ऊपर गिरा हुआ जल के बिंदु की तरह ये जिंदगी है। कितना देर रहेगा और उसमें हम 50 चीजों में अपने आप को व्यस्त करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। अब देखो इतना भी बुजुर्ग नहीं हुआ लेकिन जमीन में बैठ भी नहीं सकता, असहाय स्थिति, उसको कौन सामना करेगा? भगवान के आगे लेट के प्रणाम तक नहीं कर सकते। सकत रोटी अगर थोड़ा सकत हो, 3 महीना हो गया, उसको भी आराम से चबा के खा नहीं सकते। इतनी असहाय स्थिति जीवन में आ जाएगा, कहां जाएंगे फिर? ऐसा इसलिए अच्छे से भजन करना, सत्संग का लाभ लेना, ये हरिकथा बार बार मिलेगा नहीं। आज अगर हमारे यहाँ मुंबई की बात है, अगर राधा गोविंद प्रभु मुंबई नहीं रहते और भगवान नहीं करे वो शरीर छोड़ देते, कुछ भी होता है कौन कथा करेगा, कौन लोगों को बोलेगा कि हरिनाम करो? कोई भी बोलने से नहीं चलता, वो शुद्धता भी होना जरूरी है। जो निरंतर नाम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। भगवान ने मौका दी है, उसको कस के पकड़ लेना, लाभ ले लेना, जितना हो सके उतना फायदा ले लेना। हरी कथा में रहना, हरिनाम करना और मन लगा के करना। हरिनाम भगवान के प्रेम को पाने के उद्देश्य से करना, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द डे कोई भी नहीं है। और ये भी नहीं पता कि हमसे छोटा पहले मरेगा कि हमसे पहले पहला मरेगा, या हम पहले मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मरेंगे कि सहज मृत्यु होगा, कुछ पता नहीं है ऐसा। और उसके बाद रोने के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। ये बात है, हम बीच सड़क में लेट कर टूटी हुई अवस्था में, गाड़ी टूट गया और बीच सड़क में ऐसे पड़ा हुआ था, वो अवस्था से यहाँ तक आया और ये हर चीज को अपने दिमाग में चलाया और दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरे सभी प्रेमियों से प्रार्थना, हरिनाम करना, खुश रहना जीवन में, दुखी नहीं रहना किसी भी चीज को लेकर। जीवन में जो भी अवस्था आता है वो क्षणिक है, जो आया वो चला जाएगा, एक लहर की तरह है। आज अगर ऐसी अवस्था आया तो कल अच्छा अवस्था भी आएगा। हम कभी ये क्यों सोचे कि और बिगड़ेगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है। अवस्थाएं बदलती रहती है, कभी नीचे जाते हैं तो कभी ऊपर जाता है। जीवन एंड ऑफ द डे अच्छा ही होता है जो व्यक्ति भगवान के ऊपर भरोसा करके चलता है। इसलिए भगवान पे निर्भर होना, अधिक से अधिक निर्भर होना, गुरुदेव पे निर्भर होना, हरिभजन करना। हमारा कोई नहीं है, केवल भगवान, केवल गुरुदेव है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 Oh,